फाइनली गाइस मैंने CMF Phone 1 मैंने खरीद लिया है। मैं यहाँ पर ये फ़ोन को 7 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको कंक्लूशन चाहिए तो यहाँ पर मैं पहले से ही बोल देता हूँ, अगर आपको ये 15,000 में मिलता है तो ये एक ऑलराउंडर फ़ोन है, सच में बता रहा हूँ। यहाँ पर 15,000 में या 16,000 में भी इससे अच्छा वाला फ़ोन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कहोगे यहाँ पर वीवो T3 है और IQ Z9 है, अब उसका प्राइस जाके देखो, वहाँ पर आपको 20,000 पे करना पड़ेगा वो फ़ोन्स ख़रीदने के लिए, ओके। और वहाँ पर प्रोसेसर थोड़ा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में मैं परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में बात करूँगा, लेकिन यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर जो मिलता है, मतलब कि ये जो नथिंग का OS है, मतलब कि सच में एक फ्लैगशिप लेवल एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पर ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करते वक्त। अगर आप IQ का या वीवो T3 का कोई भी फ़ोन यूज़ करते हो तो यहाँ पर उसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं है, बहुत सारा फीचर सब मिलता है, लेकिन एक यूज़ करने में वो जो क्वालिटी, मैं जैसे कि बोल रहा हूँ आपको एक फ्लैगशिप लेवल जैसा नहीं लगे, लेकिन यहाँ पर ये वाला फ़ोन में आपको एक फ्लैगशिप लेवल वाला सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलने वाला है, वो मैं गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पर ये फ़ोन ख़रीदने से पहले यहाँ पर मैंने YouTube में बहुत सारा वीडियोस देखा था, तब इसका जो लुक्स था मुझे एक छपरी फ़ोन जैसा लग रहा था, सच में आपका मन में भी ये ख्याल आया होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ट्राई करने के लिए मैंने ये वाला फ़ोन ख़रीदा। तो उसके बाद जब ये फ़ोन आया हाथ में मैंने पकड़ा, तो यहाँ पर मुझे सामने, मतलब कि कैमरा में नहीं, यहाँ पर मैं अपने हाथ में पकड़ के देखता हूँ, तो यहाँ पर हाथ में मैंने पकड़ा तो मुझे उतना ज़्यादा छपरी फीलिंग नहीं आ रहा था। अगर आप रियल लाइफ में ये वाला फ़ोन अगर आपके दोस्त के पास है या आप ऑफलाइन मार्केट में कुछ मिलता है तो आप जाके चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा छपरी फीलिंग नहीं आएगा अगर आप हाथ में पकड़ के देखते हो तो, इन रियल लाइफ। ऑन यूट्यूब यहाँ पर छपरी फीलिंग आता है, अगर आप इसका जो कैमरा मॉड्यूल्स है ये सब देखने से आपको एक छपरी फीलिंग आता है, लेकिन इन रियलिटी वैसा छपरी वाला फीलिंग नहीं आता है। यहाँ पर ये वाला पार्ट सब मैं स्किप करने वाला हूँ, इसमें आप बैक कवर चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप बहुत सारा चीज़ अटैच कर सकते हो, जैसे कि स्टैंड सब अटैच कर सकते हो, उसके बारे में बात नहीं करने वाला क्योंकि आपने बहुत सारा YouTube वीडियोस में देखा होगा। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ मेरा एक्चुअल में क्या एक्सपीरियंस रहा है और मैं क्यों ये फ़ोन को ऑलराउंडर कह रहा हूँ अंडर द प्राइस रेंज ऑफ 16,000 या 15,000, ओके। तो मैं पहले यहाँ पर बात करने वाला हूँ इसका डिस्प्ले क्वालिटी। तो डिस्प्ले क्वालिटी वाइज देखा जाए तो 15,000 के हिसाब से यहाँ पर जो बॉटम चिन्ह है थोड़ा सा बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करते रहोगे तो यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा। और डिस्प्ले क्वालिटी सच में बताऊँ, यहाँ पर अगर मैं कोई भी मल्टीमीडिया कंटेंट्स कुछ देखता हूँ या नेटफ्लिक्स में कोई शोज देखता हूँ या यूट्यूब में कोई वीडियोज देखता हूँ, तो यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी है काफ़ी अच्छा दिया है नथिंग ने। मतलब कि यहाँ पर मैंने मेरे दोस्त के IQ Z9 के साथ मैंने कंपेयर करके देखा है, और मेरे कज़िन के पास Vivo T3 है उसके साथ भी मैंने कंपेयर करके देखा है, इसमें कलर्स और थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंट दिखता है, और यहाँ पर मतलब कि दोनों में साइड बाय साइड अगर आप कंपेयर करते हैं तो इसका डिस्प्ले क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप कोई मूवीज़ देख रहे हो तो यहाँ पर श्योरली यहाँ पर आप एंजॉय करोगे इसके डिस्प्ले क्वालिटी से। पर मैंने डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में तो बता दिया, मेरा एक्सपीरियंस क्या है मैंने बता दिया। यहाँ पर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी है, वो भी स्मूथली वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में रख के इसे यूज़ कर दिए तो थोड़ा ज़्यादा जिटर देखने को मिलता है, लेकिन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में ये बटरी स्मूथ जैसा लगता है। तो चलिए यहाँ पर मैं स्पेसिफिकेशन आपको बता ही देता हूँ, आपको पता होगा फिर भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको 6.7 इंच का एक फुल HD AMOLED डिस्प्ले मिलता है, इसका जो पीक ब्राइटनेस है 2000 निट्स है ये, लेकिन ये 2000 निट्स अगर आप कोई भी HDR कंटेंट्स देख रहे हो तो तभी ये 2000 पीक तक जाएगा। तो यहाँ पर ब्राइटनेस डिसेंट मिल जाता है, तो यहाँ पर आउटर विजिबिलिटी में आपको उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाला है CMF Phone 1 में। पर एक स्टैंडर्ड रखते हैं, मतलब कि यहाँ पर डिस्प्ले को मैं आउट ऑफ 10 कितना मार्क दूंगा, कैमरा को आउट ऑफ 10 मैं कितना मार्क दूंगा, प्रोसेसर को कितना मार्क दूंगा, सब मैं मार्क देने वाला। तो यहाँ पर पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो यहाँ पर डिस्प्ले में यहाँ पर मैं 9/10 देना चाहूँगा, क्योंकि इसका डिस्प्ले क्वालिटी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। मैं एक सैमसंग गैलेक्सी S23 यूज़र हूँ, मतलब कि सैमसंग का एक फ्लैगशिप फ़ोन है, तो यहाँ पर मैं इसका जो डिस्प्ले से उतना ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। तो यहाँ पर एक 9/10 मैं क्यों दे रहा हूँ, एक मार्क क्यों काट रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसका जो चिन्ह है वो थोड़ा सा मोटा है, लेकिन अगर आप यूज़ करते रहोगे तो यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा, ओके।
अब बात करते हैं स्पीकर क्वालिटी के बारे में। तो स्पीकर क्वालिटी वाइज देखा जाए तो यहाँ पर मुझे एवरेज लगा है, तो मैं पहले से वहाँ मार्क दे देता हूँ। यहाँ पर मैं 6 out of 10 ही देना चाहूँगा। यहाँ पर लाउड है, एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है और इसका साउंड क्वालिटी मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है, मतलब कि उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को कहते हुए सुना है कि इसका स्पीकर क्वालिटी सिंगल स्पीकर है फिर भी बहुत ही अच्छा साउंड करता है, लेकिन पर्सनली मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा इसका स्पीकर। तो यहाँ पर मैं 6/10 ही मार्क दूंगा इसको। तो यहाँ पर इसका साउंड क्वालिटी मैं सुनाता हूँ, आप खुद सुनो और आप खुद जज करो, लेकिन उससे पहले आपको हेडफोन लगाना पड़ेगा, तभी आपको ठीक से इसका साउंड आउटपुट पता चलेगा। ओके, तो कुछ इस तरह वाला साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है आपको। तो यहाँ पर आपको एक बात बताना मैं भूल गया, यहाँ पर आपको कोई भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस का या गोरिल्ला ग्लास 5 या गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है डिस्प्ले में। यहाँ पर आपको एक ड्रैगन ट्रेल प्रो ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, वो कितना प्रोटेक्ट करेगा मुझे पता नहीं है। और यहाँ पर ये स्प्लैश रेसिस्टेंट है। तो यहाँ पर डिस्प्ले में एक और मार्क में कम करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं 8 out of 10 ही देना चाहूँगा, 9 out of 10 ही देना चाहूँगा। और यहाँ पर मैं ये 7 दिनों में यहाँ पर कोई भी बैक कवर मैं कुछ यूज़ नहीं किया, और मैं जो एक स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है उसे मैंने अभी तक निकाला नहीं है, उसी में यूज़ कर रहा हूँ। और एक बार मेरे हाथ से भी गिरा भी है यहाँ पर मेरे शोल्डर की हाइट से, फिर भी फ़ोन में कोई भी डेंट वेंट कुछ देखने को नहीं मिला है, वो भी टाइल्स में गिरा है, फिर भी कोई डेंट वेंट देखने को नहीं मिला है। उसका मतलब ये नहीं कि आप भी जाके चेक करो, कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो यहाँ पर आपको डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सारे जन 7200 के साथ कंपेयर कर रहे थे, मतलब कि बहुत सारे जन बोल रहे हैं कि यहाँ पर 7200 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है कम्पेयर टू 7300। तो यहाँ पर मैं आपको आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर 7200 में GPU थोड़ा ज़्यादा है कम्पेयर टू 7300 का GPU। तो यहाँ पर अगर आप गेमिंग वेमिंग कुछ ज़्यादा करते हो तो यहाँ पर आपके लिए 7200 ज़्यादा बेहतर होने वाला है, जो कि आपको वीवो T3 IQ Z9 और नथिंग फोन 2A में मिलता है। ओके, अगर आप गेमिंग वेमिंग कुछ नहीं करते हो तो यहाँ पर 7300 और 7200 में आपको कोई भी उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ये इसमें गेमिंग के बारे में बात करूँ तो ये भी डिसेंट गेमिंग करके दे देता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए ही 20,000 के अंदर एक फ़ोन खरीदने के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पर मैं कहूँगा आप 7200 के साथ जाओ, मीडियाटेक 7200 के साथ जाओ, वो और थोड़ा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। लेकिन अगर आप कोई कैशुअल गेमिंग वेमिंग कुछ कर रहे हो तो यहाँ पर कैशुअल गेमिंग आपको करके देगा। मैं एक कैशुअल गेमर हूँ, मैं उतना ज़्यादा हार्डकोर गेमर नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं BGMI खेलता हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता हूँ, और यहाँ पर मैं डॉक्टर ड्राइविंग 2 खेलता हूँ। यहाँ पर मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, मुझे 59-60 FPS कॉन्स्टेंट मिल जाता है। तो यहाँ पर मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया है। मैंने 1 घंटा कुछ मैंने नहीं खेला, मैंने 40 मिनट्स मैंने खेल के देखा, उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। बात करते हैं यहाँ पर इन रियल लाइफ इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पर मैं एक कैशुअल यूज़र हूँ, यहाँ पर मैं कभी कभार गेम खेलता हूँ, तो यहाँ पर मैं सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, यूट्यूब ये सब मैं यूज़ करता हूँ, व्हाट्सएप मैं यूज़ करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस से मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है, कि एक डिसेंट प्रोसेसर है इसमें, जो प्रोसेसर दिया गया है जो कि है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300, ये एक डिसेंट प्रोसेसर है। यहाँ पर आपका डे टू डे लाइफ में आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, आपको कोई भी लैग जिटर देखने को नहीं मिलेगा, आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको और थोड़ा अच्छा मतलब कि एक गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो यहाँ पर आप 7200 प्रोसेसर वाले फ़ोन के साथ जा सकते हो, उसमें आपको गेमिंग में थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अदरवाइज़ अगर आप ये दोनों प्रोसेसर को कंपेयर करते हो तो आपको
सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगा। अगर आप ये वाला फ़ोन ख़रीदने के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा 6GB 128GB के साथ जाओ, और एक एस डी कार्ड भी लगा सकते हो। आप कोई भी एक 128GB या 256GB का एस डी कार्ड लगा के आप इसका स्टोरेज बढ़ा सकते हो। एक ऑफ़र मैं बताता हूँ, यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट में जाके सैंडिस्क का एक एस डी कार्ड 256GB स्टोरेज वाला सर्च करो, आपको वो 1000 में मिल जाएगा। तो 1000 में वो एक स्टील डील है, आप चाहते हो तो आप ख़रीद सकते हो और इसमें लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज मैं कितना मार दूँगा, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज मैं मेरे यूसेज के हिसाब से ये ठीक है। मैं इतना ज़्यादा गेमिंग वेमिंग नहीं करता, मतलब कि हार्डकोर गेमर नहीं हूँ, एक कैजुअल गेमर हूँ। और यहाँ पर डे टू डे यूसेज में मुझे कोई भी लैग वैग देखने को नहीं मिला कभी कभार, मतलब कि एक दो टाइम ही, मतलब कि इसके 7 दिन में एक दो बार मुझे थोड़ा ज़्यादा जिटर और लैग देखने को मिला है, उससे ज़्यादा मुझे देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर मैं इसका परफॉर्मेंस को कितना रेट दूँ, यहाँ पर मैं इसको 7/10 देना चाहता हूँ। बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में। तो यहाँ पर इसके फ़ोन का जो मेन हाईलाइट है वो है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। अगर आपको 15,000 के अंदर आपको एक फ्लैगशिप लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस करना है तो यहाँ पर मैं आपको 100% ये CMF Phone 1 को रेकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, क्या बताऊँ मैं, इसका दीवाना हो गया। उतना ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा फीचर्स भी मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कैसा सेटअप करके देखा है। अगर मैं ब्लूटूथ ऑफ करना चाहता हूँ तो यहाँ से आराम से कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं टॉर्च ऑन करना चाहता हूँ तो होम स्क्रीन से मैं टॉर्च ऑन कर सकता हूँ। यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर बहुत सारा विजेट्स आप लगा सकते हो होम स्क्रीन में। तो यहाँ पर अगर, और UI भी बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता है आपको, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पर आपको कोई भी लैग वैग देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर इसका जो फ्रंट कैमरा, मैं कैमरा के बारे में बात करूँगा, लेकिन यहाँ पर जो भी इश्यूज आता है अगर हम कुछ रेज करते हैं तो जल्दी से नथिंग इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट देके वो वाला इशू को सॉल्व कर देता है। मैंने जब से ये फ़ोन को ख़रीदा, मतलब कि 7 दिन से मैंने ख़रीदा था, 7 दिन से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर 2 सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है। मतलब कि परसों एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया था, इसका जो फ्रंट कैमरा में एक येलोइश रेड टिंट था वो वाला सॉफ्टवेयर अपडेट देके नथिंग वालों ने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी काफ़ी फास्ट है, यहाँ पर कोई भी इश्यू है तो जल्दी से नथिंग वाले सॉल्व भी कर देते हैं। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में मैं 10/10 देना चाहूँगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर बैटरी लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर आपको 5000mAh का बैटरी मिलता है। तो यहाँ पर मुझे मेरे यूसेज में, मतलब कि मुझे मेरा जो यूसेज है वो मीडियम टू हेवी यूसेज रहता है, उसमें मुझे 7-8 आवर स्क्रीन ऑन टाइम आराम से मिल जाता है। बाय द एंड ऑफ द डे यहाँ पर 16% बाकी रहता है। अगर मैं 6 बजे को फुल चार्ज करता हूँ तो यहाँ पर 10 बजे को यहाँ पर 25-30% बाकी रहता है। ओके, तो यहाँ पर मैं कंपैरिजन बताऊँ तो यहाँ पर मैं बैटरी ड्रेन टेस्ट पर मैं उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, फिर भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं सैमसंग गैलेक्सी S23 यूज़ करता हूँ, उसमें 3900mAh का बैटरी है। तो यहाँ पर मुझे उसमें 6.5 आवर स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, वहीं इसमें मुझे 8 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। वहीं पर मैं सैमसंग गैलेक्सी S21 FE यूज़ करता हूँ, उसमें मुझे 4500mAh का बैटरी मिलता है, उसमें मुझे 3.5-4 आवर स्क्रीन ऑन टाइम भी मिलता है। तो यहाँ पर इसका बैटरी लाइफ से मैं बहुत ही इंप्रेस्ड हूँ। यहाँ पर अगर आप एक एवरेज यूज़र हो तो यहाँ पर आपको 1 दिन से ज़्यादा बैटरी बैकअप दे देगा। मैं थोड़ा मीडियम टू हेवी यूज़र हूँ तो यहाँ पर मुझे 1 दिन का बैटरी लाइफ आराम से मिल जाता है इसमें। ओके, तो यहाँ पर बैटरी लाइफ में मैं मार्क देना चाहूँगा 10/10। अब बात करते हैं चार्जिंग स्पीड के बारे में। तो यहाँ पर बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलता है, और ये फ़ोन 33W का चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ख़रीदने के लिए। अगर आपके पास कोई भी पुराना फ़ोन, मतलब कि पुराना चार्जर है, मतलब कि ब्रांडेड वाला पुराना चार्जर है, तो वो इसके साथ यूज़ कर सकते हो। मैंने कोई भी चार्जर नहीं ख़रीदा है, मेरे पास सैमसंग का 25W का एक चार्जर है और स्पीगन का एक चार्जर है, तो मैं इनमें से कोई भी एक चार्जर से मैं चार्ज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये 33W का नथिंग का चार्जर खरीदो। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी एक चार्जर होगा, उसके साथ आप चार्ज करो, लेकिन आपको याद रखना है एक ब्रांडेड चार्जर रहना चाहिए। लेकिन मतलब कि एक लोकल मार्केट से 100 रुपया या 50 रुपया में ख़रीद के आते हो वो वाला चार्जर आप इसमें मत चलाओ, फ़ोन ख़राब हो जाएगा, फ़ोन का बैटरी भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा आप कोई भी मोटोरोला का चार्जर या रियलमी का चार्जर या
सैमसंग का चार्जर या स्पिगन का चार्जर कुछ है तो आप उसके साथ इसे चार्ज कर सकते हो। पर चार्जिंग स्पीड देखा जाए तो 10% to 100% रीच करने के लिए 1 hour 20 minutes लगा है मुझे सैमसंग का 25 watt के चार्जर के साथ, तो इस तरह इसका चार्जिंग स्पीड। तो चार्जिंग स्पीड को मैं 5 out of 10 ही दूंगा। फाइनली बात करते हैं इसका कैमरा क्वालिटी के बारे में। तो कैमरा क्वालिटी वाइज देखा जाए तो पीछे में आपको एक मेन सेंसर मिलता है जो कि 50 megapixel का सोनी का IMX882 सेंसर। तो यही सेम सेंसर आपको वीवो T3 के साथ मिलता है और यहाँ पर IQ Z9 के साथ मिलता है, तो सेम सेंसर इसमें दिया गया है। ऊपर में आपको एक डेप्थ सेंसर मिलता है 2 megapixel का, और फ्रंट में देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक 16 megapixel का सेंसर मिलता है। तो बात करते हैं इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है। तो यहाँ पर इसका कैमरा क्वालिटी से मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड भी हूँ और एक तरफ से डिसअपॉइंटेड भी हूँ। वो क्यों है मैं बताता हूँ। इसका जो कैमरा क्वालिटी है, यहाँ पर अगर आप कोई भी कार्स का, फ्लावर्स का या बिल्डिंग्स का वैसा वाला कोई भी फ़ोटोज़ लेते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड होने वाले हो। और यहाँ पर कैमरा में आपको एक विविड मोड भी मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको विविड मोड मिल जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर नेचुरल मोड मिलता है और विविड मोड मिलता है। यहाँ पर अगर आप विविड मोड में रख के फ़ोटोज़ लेते हो तो आपको सोशल मीडिया रेडी फ़ोटोज़ मिल जाता है। तो यहाँ पर इसका कैमरा क्वालिटी से मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। लेकिन आप कोई भी ह्यूमन सब्जेक्ट का फ़ोटो लेते हो तो उनका फेस थोड़ा वाइटिश कर देता है, वो छोटा सा प्रॉब्लम मुझे लगा है। और यहाँ पर बहुत सारा फिल्टर्स मिलता है, अगर वो वाइटिश वाला प्रॉब्लम ये नथिंग सॉफ्टवेयर अपडेट दे के सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर इसका कैमरा क्वालिटी बहुत ही एक नंबर होने वाला है। और यहाँ पर इसका जो फ्रंट कैमरे के बारे में बात करो तो यहाँ पर एक येलोइश रेड टिंट था जब मैंने ख़रीदा था, तो परसों एक सॉफ्टवेयर अपडेट दे के वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। और इसका जो फ्रंट कैमरा से आप बहुत ही अच्छा फ़ोटोज़ ले सकते हो। और इसका जो डेप्थ सेंसर, तो यहाँ पर इसका जो पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ से मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आर्टिफिशियल लग जाता है अगर आप इसमें पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ कुछ लेते हो। तो यहाँ पर कैमरा में थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स करना है नथिंग को, तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है यहाँ पर नथिंग कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट देके इसका कैमरा भी इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि इसमें एक कैपेबल सेंसर दिया गया है जो कि है सोनी का IMX882। तो वेट करते हैं, तो यहाँ पर मैं इसमें कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी इम्प्रूवमेंट्स आता है तो यहाँ पर मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। तो यहाँ पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, पर मैं कंक्लूशन बताऊँ तो यहाँ पर अगर आप ये 15,000 में ख़रीद रहे हो तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब कि एक फ्लैगशिप लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है। और डे टू डे यूसेज में इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आपको कोई भी लैग वैग जिटर कुछ देखने को नहीं मिले, मतलब कि कभी कभार, मतलब कि रेयरली आपको देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पर गेमिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा Poco X6 Pro के साथ जाओ, अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप मेरे जैसा कैजुअल गेमर हो तो यहाँ पर आप गेमिंग आराम से खेल सकते हो। मुझे BGMI में मुझे 59 to 60 FPS में ऐसा मिल रहा था। और यहाँ पर और क्या, कैमरा में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाना ज़रूरत है। यहाँ पर नथिंग ने इसका जो फ्रंट कैमरा का अपडेट देके ठीक कर दिया इसका कैमरा क्वालिटी, लेकिन बैक कैमरा में इसका जो पोर्ट्रेट इफेक्ट है और इसका जो मेन कैमरा जो ह्यूमन सब्जेक्ट है वो थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए नथिंग को। उसके बाद यहाँ पर ये 100% रिकमेंडेबल फ़ोन हो जाएगा, अभी भी रिकमेंड कर सकता हूँ। यहाँ पर इसका कैमरा क्वालिटी सब डिसेंट है, बैटरी लाइफ भी काफ़ी डिसेंट है, और चार्जिंग स्पीड, मतलब कि चार्जर नहीं मिलता है आपके पास तो पुराना चार्जर होगा उससे आप चार्ज कर सकते हो, चार्जिंग स्पीड थोड़ा स्लो है, अदरवाइज ये एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन मुझे लग रहा है, मैं 100% इसे रिकमेंड कर सकता हूँ। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।